संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दप्पारा विस्तार स्थित एक कंपनी द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित धुएं की मनुष्य जानवर एवं पेड़ पौधों पर हो रही है असर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दप्पारा विस्तार में स्थित एक कंपनी द्वारा प्रदूषित धुआं छोड़ा जा रहा है, जिसका असर मनुष्य के साथ ही जानवर एवं पेड़ पौधों पर भी हो रहा है। दप्पारा में स्थित बलवीर रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रदूषित धुआं छोड़ा जाता है। इस कंपनी में से निकलने वाले धुएं का असर मनुष्य के साथ ही जानवर एवं पेड़ पौधों पर भी हो रहा है। इस कंपनी के बगल में ही डियर पार्क है, जहां पर रहते जानवरों को इस प्रदूषित धुएं से नुकसान हो रहा है और बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही कंपनी के आसपास के कई पेड़ पौधों पर भी धुएं का असर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी द्वारा प्रदूषित धुएं को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। यहाँ के लोगों पर भी इस धुएं का असर किसी न किसी रूप से होता रहता है। यह कंपनी कई वर्षों से यहाँ संचालित हो रही है। कंपनी से जब धुआं निकलता है तब पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है और यह धुआं कंपनी के बगल में ही स्थित डियर पार्क में फैल जाता है। इस बारे में कंपनी प्रबंधन का कहना है कि कंपनी से धुआं निकलता रहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस कंपनी के पास ही डियर पार्क है, जहां पर काफी संख्या में पर्यटक भी आते हैं और कंपनी द्वारा धुआं निकलने से इसका सीधा असर डियर पार्क के जानवरों एवं यहां आने वाले पर्यटकों को भी किसी न किसी तरह से होता है। ऐसे में यह बीमारियों का कारण बन सकता है, जिससे जानवरों की मौत भी हो सकती है। वही दूसरी ओर दादरा नगर हवेली में पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी भी है, परंतु कभी यह सुनने को नहीं मिला है कि इस कमेटी ने इस तरह से धुआं छोड़ने वाले किसी कंपनी पर कार्यवाही की है। अब इस मामले में प्रदूषण विभाग को भी कार्यवाही करनी चाहिए, साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि मनुष्य पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों को इन प्रदूषित धुएं का असर नहीं हो सके।